क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एक मात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व की स्व संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होते ही देह होने पर भी देहाती दशा प्रकट होती है। इतना ही नहीं, विकल्प होने पर भी विकल्पातीत दशा प्रकट होती है। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद का सागर उछलता है। फिर भी ज्ञानी की दृष्टि उस अतीन्द्रिय आनंद के उछलते सागर की ओर भी नहीं जाती और दृष्टि चैतन्य तत्व पर ही टिकी रहती है। यह चैतन्य तत्व ही मैं हूं। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही ज्ञान दीपक प्रज्वलित होता है। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही ऐसी यथार्थ श्रद्धा होती है
कि मैं त्रिकाल प्रज्वलित ज्ञान दीपक हूं, चैतन्य ज्योति की सत्ता के अतिरिक्त देह रूपी मिट्टी और रागादि भाव रूपी धुए में कहीं भी फैला नहीं हूं। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही ज्ञानी स्वयं को राख की दीवार का पड़ोसी मानता है और मोक्ष मार्ग का मुसाफिर जानता है। ज्ञानी यह मानते हैं कि निज चैतन्य महल के पड़ोस में कुछ बरस पहले इस राख की दीवार का निर्माण हुआ था। भूतकाल में अनंत दीवारें बनी और बिखरी, मगर मैं निश्चिंत हूं क्योंकि यह राख की दीवारें चैतन्य महल के पड़ोस में बनी और बिखरी। मैंने सिर्फ चैतन्य महल की ज्ञान की खिड़की से अत्यंत दूर बनने और बिखरने वाली इन दीवारों को मात्र देखा है, जाना है। ऐसी प्रति समय जागृति हो तो देह होने पर भी देहाती दशा प्रकट होती है। भीड़ में रह करके भी एकांत की अनुभूति कि मैं चैतन्य तत्व एक हूं, एक की अनुभूति, तरह तरह के चित्र विचित्र पदार्थ ज्ञान में प्रतिबिंबित हो तो भी ऐसी अलिप्त दशा जैसे दर्पण में प्रतिबिंबित होने वाले पदार्थों के कारण दर्पण उसमें मोहित नहीं होता, सम्मोहित नहीं होता। दर्पण की जैसे स्वच्छता उन प्रतिबिंबित पदार्थों के कारण खंडित नहीं होती, बाधित नहीं होती। वह दर्पण जैसे निर्विकल्प रहता है। चैतन्य स्वरूप भी उस दर्पण की भांति है जिस ज्ञान रूपी दर्पण में जगत के इन समस्त पदार्थों का प्रतिबिंब तो पड़ता है, मगर यह जागृति कि यह चैतन्य दर्पण में मिले नहीं, ये सब पदार्थ चैतन्य दर्पण में मिले नहीं। दर्पण पर धूल भी लग जाए और दर्पण की स्वच्छता अभी ढक जाए, फिर भी वह धूल भी दर्पण के भीतर जाकर दर्पण में मिलती नहीं। प्रति समय यह जागृति कि आत्मा में जो भी विकृति उत्पन्न होती है वे विकृति का स्वीकार तो होता है, मगर वह स्वीकार इस प्रकार से होता है कि धूल दर्पण के भीतर नहीं है, दर्पण के बाहर ही है। यह समस्त प्रकार के राग और द्वेष के विकल्प, यह समस्त प्रकार के क्रोध मान माया लोभ के विकल्प, ये ज्ञान दर्पण के भीतर नहीं है, वे जहां है वहां ज्ञान दर्पण की स्वच्छता है ही नहीं। ऐसा यह त्रिकाल स्वच्छ चैतन्य दर्पण, ऐसी जागृति हो तो निर्लेपता प्रकट होती है, विरोध नहीं होता। सिर्फ कुछ समय की बात है, मजबूरी है, मैं अपने हाथ में दर्पण लेकर के निकला हूं और वह दर्पण रास्ते पर किसी कसाई की मांस की दुकान है। उस दर्पण में कसाई की दुकान में वहां मांस वो जो लटक रहा है वो दर्पण में प्रतिबिंबित होता है। तुम दर्पण को तोड़ नहीं देते, फोड़ नहीं देते, वहां पर फेंक नहीं देते, क्योंकि तुम दर्पण के स्वभाव को भली भांति पहचानते हो कि दर्पण में प्रतिबिंबित होने वाले मांस के कारण इस दर्पण में कोई भी दाग नहीं लगा। सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा को यह जागृति है कि मांस खून हड्डी ये मलिन पदार्थों से बना हुआ देह वर्तमान में मेरे ज्ञान रूपी दर्पण में प्रतिबिंबित तो हो रहा है, मगर मैं अत्यंत दूर हूं, जिसे ये पदार्थ छूते नहीं। मैं अछूता अस्पर्शी चैतन्य दर्पण, मैं ज्ञान दर्पण हूं। और ये जागृति की जानने में तो आता है नदी के पानी के बहते प्रवाह की भांति,
जिसमें चांद प्रतिबिंबित तो होता है मगर चांद को कोई विकल्प नहीं है कि मैं पानी में प्रतिबिंबित हूं, या फिर बहते पानी को भी कोई वांछना नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई महेच्छा नहीं, कोई लालसा नहीं कि ये चांद मेरे में प्रतिबिंबित हो। सहज ऐसा योग कि चांद है और दर्पण में प्रतिबिंबित हो रहा है। चांद है वो निर्मल जल में प्रतिबिंबित हो रहा है। स्वभाव है दर्पण का, स्वभाव है निर्मल जल का। ज्ञानी को यह जागृति कि इस ज्ञान दर्पण में ये देह प्रतिबिंबित तो होता है मगर वह देह में यात्रा नहीं करते, वे गाड़ी में बैठे नहीं हैं। सारी दुनिया को यह दिखाई देता है कि वे देहधारी है मगर वे ही स्वयं अंतर में अनुभव करते हैं कि वे इस राह की दीवार से तो बहुत पहले ही मुक्त हो चुके। फिर औपचारिकता है एक जली हुई रस्सी की भांति जो जल चुकी है, सिर्फ औपचारिकता है कि उस पर किसी बच्चे का हाथ लगे और बैर बिखेर हो जाए। उसमें वह बल नहीं, वह शक्ति नहीं। ज्ञानी को यह जागृति है कि इस राह की दीवार में मैं कहीं भी नहीं। दर्पण के सामने जाओ और जो प्रतिबिंब दिखे दर्पण में, यह जागृति कि ये जो सामने दर्पण में प्रतिबिंबित हो रहा है, ये प्रतिबिंबित होने वाला मैं नहीं। मगर ये प्रतिबिंबित होने वाला मैं नहीं, ये जानने वाला कौन है? क्योंकि मुर्दा भी दर्पण के सामने प्रतिबिंबित होता हो, मुर्दे को कुछ नहीं पता। ये जो देह दर्पण में प्रतिबिंबित होता है और यह जाना जा रहा है कि यह मैं नहीं हूं, यह कौन है? बस यही मैं हूं। यह जागृति, यह जागृति धर्म है। फिर तुम घर में रहो या फिर तुम दुकान में रहो, तुम कहीं पर भी रहो, तुम धार्मिक हो। और यदि तुम्हारे भीतर वह मोह की ग्रंथि न छूटी हो, फिर तुम घर छोड़कर के वन जंगल में, गुफा में, पहाड़ के शिखर पर, नदी के तट पर, या फिर तुम सारे जग से छूट करके एकांत में चले जाओ, मगर भीड़ तुम्हें सताएगी। वह भीड़ और कुछ भी नहीं, तुम्हारे भीतर वह जो तरह तरह के मलिन विकल्प है, उन विकल्पों की भीड़ सताएगी। अनुभूति होते ही, चैतन्य तत्व अनुभव में आते ही ज्ञानी गैर हाजिर हो जाता है, शरीर से मुक्त हुआ। यह अनुभूति हुई कि इन परमाणुओं में तो कहीं पर भी अनुभव है ही नहीं। बिजली का जैसे वायर है, लाल रंग हो या हरा रंग हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस समय वो वायर कटा हुआ हो, खुला हुआ हो, हाथ लग गया और जो करंट का झटका लगा, उस समय वो प्लास्टिक, वो रबर, वो लाल है या सफेद है या पीला है या नीला है, कोई विकल्प नहीं। और होने पर भी वहां वो स्पर्शना उसकी नहीं, स्पर्शना करंट का झटका लगा, कुछ ही समय का झटका है मगर पूरे देह में झंझनाटी पैदा होती है, रोमांच होता है कि ये क्या हुआ, ऐसा अनुभव तो मुझे कभी नहीं हुआ था। चैतन्य तत्व की अनुभूति सर्वप्रथम हुई कि ऐसी अपूर्व अनुभूति किसी और लोक में प्रवेश किया, वह इस लोक का न रहा, वह यहां पृथ्वी का मालिक नहीं, पृथ्वी का मेहमान हो गया। और पृथ्वी माने ये करई नहीं, पृथ्वी माने ये मध्य प्रदेश नहीं, ये भारत देश नहीं, वह पृथ्वी का मेहमान हुआ, ये देह की पृथ्वी का मेहमान हुआ। अब वह पड़ोस में है, ये देह लेटता है मगर वह लेटता नहीं है। ज्ञानी ये देह जब लेटता है, यह अनुभव करता है कि ज्ञान दर्पण में यह प्रतिबिंब पड़ा। यह जागृति कि मैं चैतन्य परमात्मा इस राख की दीवार का पड़ोसी, लेटे, खड़ा हो, बैठे, खाए पिए, देह की सभी क्रिया के काल में यह जागृति कि मैं चैतन्य परमात्मा हूं। दुकान पर रह करके भी वो मालिक होकर के वहां नहीं बैठता है, मालिक होकर के दुकान पर नहीं,
वहां पर मुनि होकर के बैठता है, घर में भी वह रहता है तो घर में भी मेहमान होकर के रहता है, गेस्ट हाउस की भांति वह प्रवेश करता है। ज्ञानी को इसके लिए सोचना नहीं पड़ता, जैसे तुम्हें अपने भाई बहन के बारे में सोचना नहीं पड़ता। रात को 2 बजे भी कोई उठाकर पूछे कि बताओ कितने भाई कितने बहन, तुरंत ही जवाब देते हो, सोचना नहीं पड़ता। सम्यक दृष्टि ज्ञानी को यह जागृति सदा काल जागृति कि मैं चैतन्य परमात्मा हूं, मैं चैतन्य परमात्मा हूं, देह में रहकर देहातीत होना, नारियल का गोला नारियल में रहकर नारियल से अलग हो जाए, ऐसे ही ज्ञानी का आत्मा देह में रहकर देह से अलग हो जाता है, और नारियल का गोला नारियल में रहकर के नारियल से अलग हो जाए, उसकी कला क्या कि उस नारियल को जमीन पर रगड़ो, इस दीवार से दूसरी दीवार की ओर फेंको, रगड़ता रगड़ता वो नारियल जाए कि अंदर से अलग होता जाएगा, वो गोला छूटता जाएगा, वह गोला नारियल से चिपका है वो मिटता जाएगा, गोले को रगड़ते जाओ, वो नारियल को रगड़ते जाओ, जमीन पर फेंकते जाओ, वो नारियल का गोला नारियल से अलग हो जाएगा। आज तक यही माना था, यह भ्रांति है, यह सबसे बड़ा भ्रम है। जमीन पर नारियल को रगड़ने से नारियल का गोला नारियल से अलग नहीं होता, मगर जब उस गोले के भीतर जो पानी है वह पानी जब सूख जाता है तब वो नारियल का गोला नारियल में रहकर नारियल से अलग हो जाता है। आज तक हमने यही माना कि बिना चप्पल के 4 हाथ जमीन देकर विहार करो, ये शरीर को तुम नग्न दिगंबर मुनि होकर वन में जाओ, सताओ तड़पाओ भूखे प्यासे रहो, धर्म हो जाएगा। मगर देह को सताने से कोई धार्मिक होता है? पहले किसी पराये को सताते थे, अब खुद को सताना शुरू किया। किसी को सताओ, पराये को या अपने को, कोई फर्क नहीं पड़ता। सताने में अधर्म है, पराया हो या फिर स्वयं हो, जागृति में धर्म है। जब आत्मा में मोह का जो रस है वो रस जब सूख जाता है तब आत्मा देह में रहकर देह से अलग हो जाता है। यह चैतन्य 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 तत्व की निर्विकल्प अनुभूति। देह छूटने से पहले इस देह को ही राख के रूप में देखा। मनुष्य का देह, अब यह मनुष्य का देह नहीं दिखता, इसलिए मैंने अभी कुछ समय पहले ही एक रचना लिखी, उतरी है, राग की दीवार का पड़ोसी। मैं चैतन्य परमात्मा राग की दीवार का पड़ोसी हूं। ये देह एक राग की दीवार के रूप में दिखाई दे, इसमें सीमेंट नहीं है, मिट्टी नहीं है, रेत नहीं है, मगर मांस तो है, चर्बी तो है। इस दीवार में पानी नहीं मगर खून तो दौड़ रहा है। इस दीवार में हड्डी तो है, भले ही पत्थर और ईंट न हो तो क्या हुआ। इस दीवार पर रंग तो नहीं होता मगर चमड़ी तो है। ये एक राख की दीवार है और माता पिता इस राख की दीवार के कारीगर। इस जगत में ऐसी कोई दीवार नहीं जो दीवार की रचना करती हो, मगर राख की दीवार ऐसी है जो राख की दीवार की रचना करती है। और जो व्यक्ति उस दीवार से चिपक कर बैठता है, टिक कर बैठता है, दीवार के गिरने पर वह खुद भी गिर जाता है। जो व्यक्ति पहले से ही फासला बनाकर बैठा, अब वो दीवार गिरे तो भी वह निश्चिंत है, क्योंकि दूरी है, ऐसी दूरी की अनुभूति। ये आ, आ। ये चैतन्य 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 चैतन्य, ऐसी जब धारा चले तो ये शरीर अत्यंत दूर से ये राख की दीवार के रूप में दिखाई दे। मकान जैसे बनता है, कॉलम पर खड़ा हुआ,
वहां बीम है, कॉलम है, मुझे लोग मना करते, जिस कमरे में मैं सोता हूं उस कमरे में बिल्कुल ऊपर ही बीम है, कहते हैं कि बीम के नीचे बिल्कुल नहीं सोना चाहिए। मगर जब भी मैं देखता हूं उस बीम को कि यह बीम याद आता है, वो सीमेंट का बना हुआ बीम है, ये राख का बना हुआ बीम है। जब देह लेटता है तब राख का बीम, और जब देह खड़ा है तब राख का कॉलम, ये दीवार के रूप में ही देखने वाली दृष्टि, यह सम्यक दृष्टि है। फिर तुम कहीं पर भी रहो, फिर तुम नोट को गिनते हो, माल सामान तुम दिखाते हो, मगर जागृत हो, तुम धार्मिक हो। यह छूटने में इतनी देर न लगेगी, वस्त्र छूटने में इतनी देर न लगेगी, पहले फल तो पक जाए, पके हुए फल को फिर पेड़ से दूर होने में देर नहीं लगती, और कच्चे फल को यदि पेड़ से अलग कर दिया जाए तो फल को पीड़ा होती है और पेड़ को भी पीड़ा होती है। यदि वैराग्य पका न हो और घर छोड़ करके मुनि हो जाए, पीड़ा होती है, क्योंकि मैंने तो अब तक 3000 महाराज साहबों को पढ़ाया, श्वेतांबर दिगंबर स्थानकवासी देरावासी, अलग अलग संप्रदाय के पंथ के, मगर पंथी सदैव भटक जाते हैं संप्रदाय में। अभी थोड़ी देर पहले ही मैं यहां करही में मंजू के वहां था, और उन्होंने कहा स्मशान में ही आप रात को क्यों रहते हो, मेरा निवास स्मशान क्यों है? मैंने कहा सिंगल बेड का कमरा, एक स्मशान, मंदिर और मस्जिद पर मेरा भरोसा कम है, स्मशान में मैं ज्यादा इसलिए रहता हूं क्योंकि जो लाशें वहां रोज मैं जलती हुई देखता हूं, गजपंथा का स्मशान नासिक के पास, रोज जो लाशें जलती हुई देखता हूं, लाश आती है जलती है, पता ही नहीं कि यह कौन था, श्वेतांबर था या दिगंबर था, देरावासी था या स्थानकवासी था, यह हिंदू था या फिर जैन था। जो मंदिर और मस्जिद मनुष्य को मनुष्य से ही नहीं मिलने देते, वो मनुष्य को परमात्मा से क्या मिलने देंगे? इसलिए मेरा भरोसा ज्यादा स्मशान में रहने में है, और मैं वहां रह करके, क्योंकि तुम यहां पर रह करके मंदिर की घंटियां बजाते हो, मगर भीतर में अंतर में यह पता ही नहीं कि मैं कौन, चैतन्य का कुछ पता नहीं। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध हुआ, आपको पता है वे लोग कौन थे? सुबह उठकर के अल्लाहू अकबर, दिन में 5 बार नमाज पढ़ने वाले, सुबह उठकर के मंदिर जाकर के घंटा बजाने वाले, सुबह उठकर के गुरुद्वारा जाने वाले, मंदिर मस्जिद और गुरुद्वारा जाने वाले इतना खून कैसे बहा सकते हैं, इतनी हिंसा कैसे कर सकते हैं? क्योंकि मंदिर और मस्जिद ये समाधान नहीं है। मंदिर और मस्जिद जाकर के कोई धार्मिक नहीं होता, जब कोई आत्मा धार्मिक होता है तब उसका देह ही एक मंदिर हो जाता है, तब वो अनुभव करता है कि मैं ही परमात्मा और जहां मेरा वास है वह मंदिर है। इसलिए मनुष्य के बनाए गए मंदिर में मेरा भरोसा कम है, ये प्राकृतिक मंदिर को मैं देखता हूं। इतने पुरुष और इतने स्त्री नहीं, तरह तरह के आकार में बने हुए ये मंदिर को मैं देखता हूं, जिस मंदिर के पड़ोस में परमात्मा का वास है। परमात्मा मंदिर में नहीं, परमात्मा मंदिर के पड़ोस में मंदिर के बाहर रहता है। देह के भीतर तो चैतन्य है ही नहीं, देह से बाहर, और ये अनुभूति से आहा, यह चैतन्य 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 की अनुभूति कि देह में तो मैं हूं ही नहीं, तुम जहां देखते हो वहां मैं नहीं, और मैं जहां हूं वहां तुम देख नहीं सकते, उसे देखने के लिए तुम्हें अपने को देखना होगा, क्योंकि जैसे ही तुम अपने को देखोगे कि ये सब शक्कर के दाने की भांति, जैसे शक्कर के दाने एक कमरे में भरे हुए हो और आपको ये दिखाई दे शक्कर के दाने भरे हैं, ऐसे ही ये प्रत्येक आत्मा ज्ञान रस से भरा हुआ एक चैतन्य परमात्माओं का मेला दिखाई दे। हम बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, जैन हूं
मैं जैन हूं। मेरा पूरा जोर, जैसा अभी कहा कि मैं भारत का पहला नागरिक 142 करोड़ में, हुई ट्रैवल मैक्सिमम कंट्री इन द वर्ल्ड विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। व्हाई? एक सौ अट्ठावन देशों में 3 साल के भीतर, जिन जिन देशों में, पूरी पृथ्वी पर, अभी पूरी दुनिया का नक्शा रखो, कोई देश ऐसा न मिलेगा जहां पैर न हो। होगा तो पानी होगा, वरना मेरा पैर उस धरती पर पड़ा होगा। 415 भाषाओं में मैंने आत्मसिद्धि शास्त्र का अनुवाद किया। उन देशों में जाता था, पूरी पृथ्वी में 158 देश में से 153 देश ऐसे हैं जो यूनाइटेड नेशंस के मेंबर है। उनमें 142 देशों की 415 भाषाओं में हमारा मिशन था, आत्मसिद्धि शास्त्र मिशन। परम कृपालु देव श्रीमद राजचंद्र जी, महात्मा गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु, जिन्होंने अपने जीवन में आत्मकथा में लिखा है, मैं सत्य और अहिंसा के सिद्धांत जिन तीन महान व्यक्तियों से सीखा, अपने जीवन में प्रभावित हुआ, उनमें रस्किन, लियो टॉलस्टॉय और श्रीमद राजचंद्र, जिनका नाम उन्होंने रायचंद भाई लिखा। अभी मैं गांधी जी के बेटे की बेटी इला गांधी, जिनको साउथ अफ्रीका में मिला, वो कह रही थी, भले ही मेरे बापूजी, वो बापूजी कहते गांधी जी को, वो आपके गुरुजी से मिले। अभी साउथ अफ्रीका में, जहां पर गांधी जी को ट्रेन में से धक्का मार करके बाहर फेंक दिया था काली चमड़ी के कारण, ट्रेन की टिकट थी, फिर भी वहां के गोरे लोगों ने निकाल दिया। गांधी जी ने तभी प्रतिज्ञा ली, मुझे ट्रेन में से बाहर निकाला, मैं इन गोरे लोगों को अब देश में से बाहर निकालूंगा। मगर गांधी जी स्वयं ही धर्म परिवर्तन करने वाले थे, ईसाइयों से प्रभावित हो चुके थे। उन्होंने 27 प्रश्न पूछे थे श्रीमद राजचंद्र जी से। वो 27 प्रश्न, वो क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में आज हमारे पास में वो एक बुकलेट है छोटी सी, 27 प्रश्न की, और उन प्रश्नों के उत्तर पाकर के गांधी जी भारत आए। परम कृपालु देव श्रीमद राजचंद्र जी के साथ व्यक्तिगत रूप से संपर्क में रहे। गांधी जी कहते हैं, मैं सबसे ज्यादा रायचंद भाई से प्रभावित हुआ, क्योंकि व्यक्तिगत रूप से मुझे जो ज्ञान प्राप्त हुआ, जो सीखने को मिला, जब हमारा मिशन चल रहा था, आपने सुना होगा, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से कहा था 2017 की साल में, परम कृपालु देव श्रीमद राजचंद्र जी, उसी साल हमारा मिशन पूरा हुआ, 4 नवंबर 2017, जिस समय मैंने इन 142 देशों में, जहाँ एशिया के 42 देश थे, अफ्रीका के 36, यूरोप के 30, नॉर्थ अमेरिका, कैरेबियन आइलैंड्स के 14, सेंट्रल अमेरिका, साउथ अमेरिका के 10 देश, और ओशियानिया में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, वानुआतु, टुवालु, सामोआ, पपुआ न्यू गिनी, सोलोमन आइलैंड, मार्शल आइलैंड, नाउरू, पलाव, ऐसे अलग अलग देशों में, वहाँ पर इस शास्त्र को वहाँ की भाषा में, अब तक मुस्लिम और ईसाई 5000 से ज्यादा जो शाकाहारी हुए, एक ही कारण से, क्योंकि मैंने ये नहीं कहा ये जैन धर्म, हमारा एक ही सूत्र था, ह्यूमैनिटी बिफोर स्पिरिचुअलिटी एंड कनेक्शन बिफोर करेक्शन। वी डोंट वांट टू करेक्ट एनीबडी इन दिस यूनिवर्स, वी जस्ट वांट टू कनेक्ट टू पीपल एंड लेट देम करेक्ट देमसेल्फ। किसी के साथ भी कि तुम जैन हो जाओ, ये बात मैंने नहीं कही, क्योंकि बचपन में जब तुम पैदा हुए, तुम्हें पता ही नहीं था जैन अजैन क्या होता है, ये तुम्हारे दिमाग में मां बाप ने जो घुसा दिया। इसलिए मैं ये नहीं कहता कि जो समाज को छोड़ देता है वो धार्मिक है, मैं ये कहता हूं समाज ने तुम्हारे दिमाग में जो डाल दिया है, वो समाज को वापिस जो लौटा देता है वह धार्मिक है। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा कहा हुआ कि तुम हिंदू हो, तुम जैन हो, तुम दिगंबर हो, तुम श्वेतांबर हो, इतना पर्याप्त है कि मैं चैतन्य, आप चैतन्य, बात खत्म हो गई, बस यहीं पर ही पूर्ण विराम होता है। पूरी पृथ्वी पर ऐसे ऐसे देशों में जहां मैं गया,
मुझे खाने के लिए आने वाले, क्योंकि आज मनुष्य का मांस खाने वाले लोग हैं, पपुआ न्यू गिनी का ऐसा व्यक्ति जो मुझे मारकर खाने के लिए आया, आज भी वहां ऐसे हिंसक है मानव भक्षी जो आपने कभी किताबों में पढ़ा हो आज इस पृथ्वी पर है। चाइना में मनुष्य का मांस जब रेस्टोरेंट में बिका जा रहा है, बेचा जा रहा है। अफ्रीका में एक व्यक्ति ऐसा है, रुवांडा नाम का देश है, किगली शहर में, जो मुझे गोली से मारने आता है। ऐसे तो इतने अनुभव हुए। मैंने मंजू से कहा, यहां यदि समय होता तो आपको एक पूरी उस मिशन की 158 देशों की डॉक्यूमेंट्री का एक कार्यक्रम रखते। पहले से यदि मुझे पता होता कि यहां इतनी विराट संख्या में लोग आने वाले हैं, तो रात्रि में मैं इधर ही ठहर जाता। मगर आता है, मगर पहले से सब तैयारी करके अपन एक प्रोजेक्टर के ऊपर यदि जीवन में अवसर मिला तो मैं भावना पाता हूं कि दोबारा यहां एक अपूर्व सत्संग का आयोजन करेंगे। क्योंकि जैसा कि आपने कहा, मैं जिस देश में जाता हूं उस देश की भाषा को बोलता हूं। इट टेक्स अबाउट 10 to 12 इयर्स इफ यू वांट टू स्पीक मैंडरिन फ्लुएंटली। मगर जिस दिन मैं चाइना गया और वहां मेरा मैंडरिन भाषा में प्रवचन हुआ, जहां जहां मैं पृथ्वी पर गया, और इसी वजह से मुझे ये भाव आया था कि ये वाणी सारी दुनिया में सब जगह पहुंचे, चैतन्य की पुकार पहुंचे, ये जैनों तक ही सीमित न रह जाए। क्योंकि जब किसी कुएं पर किसी का कब्जा हो जाता है, उसका पानी सबको नहीं मिलता। इसलिए मैं महावीर भगवान को जैन के भगवान नहीं कहता, जीव मात्र के भगवान, मुस्लिम भी हो, कहीं कहीं कैसे कैसे देशों में। आज सुबह ही मुझे अंजड़ में सत्संग के बाद किसी ने बताया, कमलेश के वहां स्थापना थी, कह रहे थे कि महाराज साहब यदि प्रवचन देने आए तो आपके प्रवचन में जितनी भीड़ आई उसे 4 गुनी भीड़ आएगी। कपड़े हैं महाराज साहब के प्रति वो जो भाव पहले से, आप तो गृहस्थ हैं, हमने बाहर से ही देखा कि किसके कपड़े कैसे। मैंने उनको कहा, मैं जब कल यहां आया था तो मैंने वो टी शर्ट और ट्रैक पैंट पहना था। मैंने कहा यदि मैं मुंडन करके आऊं तो 1000 लोग आएंगे, कुर्ते पजामे में आऊंगा तो 100 आएंगे जैसे अभी बैठे, और यदि ट्रैक पैंट और टी शर्ट में आऊं तो 10 लोग ही आए बैठेंगे। अरे इसमें क्या, क्योंकि कपड़े से ही पहचान। और मेरा तो यह है कि जहां पर मेरा मस्जिद में, चर्च में, गुरुद्वारा में, यूनिवर्सिटी में, आइंस्टीन ने जिस यूनिवर्सिटी में स्टडी किया अमेरिका में, वहां पर अलग अलग यूनिवर्सिटी में, येल यूनिवर्सिटी में, जॉन हॉपकिंस इतनी बड़ी हॉस्पिटल है, वहां अमेरिका में, नासा में, जहां जहां अपने कार्यक्रम होते हैं, सबको इतना ही कहता हूं, ह्यूमैनिटी बिफोर स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता से पहले मानवता, यहां से शुरुआत हो। और जैसे ही तुम यहां से शुरुआत करोगे, परम कृपालु देव ने आत्मसिद्धि शास्त्र में कहीं पर भी यह नहीं लिखा, जैन शब्द का प्रयोग नहीं किया। जैन धर्म के 1500 शास्त्र है जिनकी पीडीएफ फाइल अभी मेरे सामने है। कोई भी शास्त्र का कोई भी वाक्य किसी भी पन्ने का आप लेकर मेरे पास आओ, मैं आपको बताऊंगा कि वो वाक्य जहां लिखा है, वो पन्ना, वो वाक्य आत्मसिद्धि शास्त्र की कौन सी गाथा में कहां लिंक्ड है। 1500 शास्त्रों का जो सार है, एसेंस, वो आत्मसिद्धि शास्त्र में। श्रीमद राजचंद्र जी ने सिर्फ 90 मिनट में उस शास्त्र की रचना की थी, एक ही सिटिंग में, लिखने के लिए बैठे और 90 मिनट में ही 142 गाथाओं की रचना की थी। और इस वजह से मुझे ये भाव आया कि जिसमें कोई पक्षपात नहीं है, जिसमें किसी संप्रदाय का भेद नहीं है, इस पृथ्वी को इस रूप में मैंने देखना चाहा कि जैसे बच्चे थे उस समय, जैसे निर्दोष दृष्टि से देखते थे, बस मृत्यु के समय तुम यहां से ऐसे ही विदा हो, कोई भी व्यक्ति तुम्हारे सामने आए
वस्त्र के साथ में वह तुम्हें न दिखाई दे, देह रूपी वस्त्र के रूप में न दिखाई दे, मनुष्य के रूप में न दिखाई दे, अनंत सिद्धों के साथ सिद्ध शिला पर बैठने की भावना भाने वालों, एक बार अपने घर में अपने नौकर के साथ एक सोफा पर तो बैठ के दिखाओ। बातें तो बड़ी बड़ी करते हो कि सिद्धों के साथ बैठने वाला, प्रयोग यहां से तो करो। नौकर की कुर्सी और तुम्हारी कुर्सी, नौकर की तो वैसे कुर्सी भी नहीं होती। तुम जब घर में काम करते हो, किससे बात करते हो, नौकर यदि वहां से निकल जाए, जैसे कोई कचरा निकल गया, तुम्हें पता ही नहीं कोई निकला, तुम इतना उससे इग्नोर करते हो, है कोई, लगता ही नहीं ये भी कोई मनुष्य, ये भी कोई परमात्मा। और चावल चढ़ाकर आ जाते हैं मंदिर में, अनर्घपद प्राप्त ये अर्घम निर्वपामिति स्वाहा, बस मोक्ष पक्का हो गया। इतना सस्ता मोक्ष नहीं, मुफ्त में मोक्ष नहीं मिलता, मुफ्त में तो मौत मिलती है। जीवन की जो इतनी बातें घुटी गई, इसलिए कुछ लोगों को मेरी बातें जचती नहीं। अक्सर मेरे जैन मंदिरों में पहले तो बहुत प्रवचन होते थे, मगर अब जब से मैं मस्जिद में जाने लगा, चर्च में जाने लगा, क्योंकि मस्जिद में मेरे कुरान पर प्रवचन होते, चर्च में जाता तो बाइबल पर होते, कुरान पर होते हैं, कपड़े पहनाए इमाम के, टोपी पहनी है, यदि तुम देखो तो पहचान न सको कि मैं वो बैठा हूं। इमाम के कपड़े है, कुरान रखा है, क्योंकि वहां पर यह कुरान पर ही बोलना पड़ेगा, रखो कुरान। मगर वो जो प्रवचन आप सुनेंगे और अभी जो मैं आपके सामने बोल रहा हूं, उसमें कुछ भी शब्द का भी फर्क नहीं होगा, मगर उनको तसल्ली मिलती है कुरान रख लिया। पूरी दुनिया में ऐसा हो रहा है कि यदि यहां समय सार रख के बोलू, हां हमारे जैन धर्म पर बोल रहे, मैं उनको कहता हूं कोई भी कपड़े लेकर आओ, मैं उनको कहता हूं कोई भी शास्त्र तुम्हारा सामने रखना हो रखो, बोलना तो मुझे ही है जो बोलना है। शब्द के आग्रह के कारण यह दुनिया सत्य को पाने से वंचित रह गई, आग्रह के कारण कि यही होना चाहिए, ऐसे ही वेश होने चाहिए, ऐसा ही देश होना चाहिए। भारत देश परम पवित्र देश, इस पृथ्वी पर जहां पर भी गया मुझे कोई देश अपवित्र नहीं दिखाई दी। कोई देश पवित्र अपवित्र होता है? अपवित्र देश पाकिस्तान, मैं पाकिस्तान में था जहां बार बार बम गिरने की आवाज आती हो। पाकिस्तान में वैसे तो भारत के नागरिक को वहां जाने को भी मिलता नहीं, मगर पाकिस्तान का एम्बेसडर खुद मुझे पिकअप करने आ रहा है कि आइए। एक ही कारण से कि मैं हिंदू धर्म जैन धर्म की बात लेकर नहीं आ रहा हूं, सिर्फ मानवता, यहां से शुरुआत करो, यहां से शुरुआत हो, धर्म की बात बाद में कर लेंगे। मोहम्मद जिन्ना पब्लिक लाइब्रेरी पाकिस्तान में लाहौर में, पाकिस्तान जैसा पवित्र देश मैंने नहीं देखा। पाक का अर्थ ही होता है पवित्र देश, पाकिस्तान, मगर वो भूमि गंदी भूमि है, अपवित्र भूमि है। 1947 15 अगस्त उससे पहले जो पवित्र थी, एक रात में अपवित्र हो गई। जो भारत था तब पवित्र था, अचानक भूमि पवित्र से अपवित्र हो जाती। बांग्लादेश कभी पवित्र भूमि थी, आज वो अपवित्र हो गई। कश्मीर दुनिया का स्वर्ग है, कल फिर दुनिया का नरक हो जाएगा यदि पाकिस्तान में चला जाए। हम जहां रहते हैं, मैंने तो पूरी पृथ्वी पर जिस जिस देश में गया, सभी देश के लोगों का एक ही कहना है, हमारा देश दुनिया का सबसे महान देश है। मेरा भारत महान नहीं, वहां वो लोग बोलते मेरा पाकिस्तान महान, वो कहता है मेरा अफगानिस्तान महान। पूरी दुनिया में सभी लोग यही तो कहते हैं, कौन कहता है मेरा देश खराब है? मैं कहता हूं देश पवित्र अपवित्र नहीं होता, तुम कैसे हो? मुनि आत्मा के ध्यान में लीन है, मस्ती में मस्त है,
और बांग्लादेश मुनि बैठे कलकत्ता के जंगल में, वहां पर गुफा में बैठे, और बांग्लादेश यदि भारत पर चढ़ाई करे और जीत ले और कलकत्ता बांग्लादेश में चला जाए, कलकत्ता हो गया अब बांग्लादेश। मगर मुनि को क्या पता कि ये कलकत्ता, ये पवित्र भूमि अपवित्र भूमि हो गई है। वे तो अपनी आनंद की मस्ती में मस्त है। इसलिए मुझे दो देशों के बीच में कहीं दीवार नहीं दिखाई दी। दीवार दिखाई दी तो एक अहंकार की दीवार दिखाई दी। मेरा भारत महान, मेरा भारत महान, मैं भारतीय नहीं। क्योंकि आज जितना मोह भारत में है, यहां से मर करके यदि पाकिस्तान में पैदा हुआ तो पाकिस्तान में भी उतना ही मोह, क्योंकि मुझे भारत से कोई लेना देना नहीं। जहां मैं रहता हूं, जहां मैं पैदा हुआ हूं, जिस देह में मैं रहता हूं, बस वहां पर तन्मय। आज राजा राजा के फॉर्म में अवस्था में है। कोई ज्योतिष, कोई ज्ञानी, कोई संत अपने ज्ञान में जाने और कह दे कि आपकी मृत्यु, एक राजा के बारे में आपने सुना होगा, 7 दिन के बाद में मृत्यु बताई कि मृत्यु के बाद में एक आपके महल के अंदर ही टॉयलेट में लाल कीड़े के रूप में जन्म लोगे। राजा तो डर गया कि अरे 7 दिन के बाद मर करके, वो भी कीड़ा, वो भी टॉयलेट का कीड़ा, वो भी मेरे ही महल का। अपने चारों बेटों को बुलाया कि जैसे ही मैं यहां से मर जाऊं और कीड़े के रूप में पैदा हो, मार देना, क्योंकि मैं कीड़े के रूप में जीना नहीं चाहता। पिताजी या मरने की तैयारी में, राजा मरने की तैयारी में, 4 में से 1 भी बेटा बाप के पास में नहीं, चारों टॉयलेट में, कि जैसे ही यहां से मरे और वहां पैदा हो कि मार दे, पिताजी को मुक्त कर दे। पिताजी की अंतिम इच्छा यही तो है, सभी बेटे पिताजी की अंतिम इच्छा पूरी करना चाहते। यहां से जैसे ही मृत्यु हुई और वो लाल कीड़ा, जैसे ही वहां पर लाल कीड़ा पैदा हुआ, पहले बेटे ने जोर से लाठी मारी, कीड़ा उछला, पकड़ में नहीं आया। दूसरे ने लाठी मारी, फिर इधर गया, उधर गया, चारों लाठी मार रहे, कीड़ा पकड़ में नहीं आ रहा। वो कीड़ा कहता है, मुझे मरना नहीं, मत मारो। जो आत्मा राजा के शरीर में था कि मैं राजा हूं, वही कीड़े के शरीर में इतना मोहित हो गया कि मैं कीड़ा हूं। इसलिए कुत्ते को यदि लाठी मारो, कुत्ता भागता है, बिल्ली को, चूहे को, चींटी को, वो मरना नहीं चाहते, क्योंकि आत्मा जिस देह में गया वहां ये मान लिया कि मैं देह, मगर मैं चैतन्य हूं। ऐसी अनुभूति तो ज्ञानी को सदा, हे चैतन्य परमात्मा, प्रति समय यह जागृति कि बस समुद्र के किनारे उतरे हुए वस्त्र तुम्हें दिखाई देते हैं, ज्ञानी नहीं दिखाई देते। ज्ञानी चैतन्य सागर की गहराई में डुबकी लगाते हैं, अज्ञानियों को ज्ञानी के कपड़े दिखाई देते हैं, क्योंकि अज्ञानी सागर के किनारे पर है और जो किनारे पर है उन्हें किनारे पर पड़े हुए कपड़े ही दिखाई दे सकते हैं। अज्ञानी को ज्ञानी का उतरा हुआ देह ही दिखाई देता है। जहां चैतन्य सागर में डुबकी लगती है वह तो दिखाई ही नहीं देता, मगर दिखाई दे सकता है, यह अनुभूति तुम्हें हो सकती है। हे चैतन्य परमात्मा, प्रति समय जागृति कि एक भी परमाणु के प्रति मैं पने का भाव न रहे, देह छूटने से पहले ऐसी दशा प्रकट हो, मेहमान की भांति अब रहे। जिस शरीर के प्रति इतनी मोहासक्ति थी, 4-4 घंटे दर्पण के सामने बैठकर के शरीर को जब सजा था और वहीं पर ही हार्ट अटैक आ गया, मृत्यु हुई, बिल्ली में जन्म हुआ, चूहे में जन्म हुआ, और यदि वो मृतदेह वहां पड़ा हो, वही आत्मा जो दर्पण में देख करके यही मैं हूं, इतनी तन्मयता, 4 घंटे का समय बिगाड़ा, इतना मेकअप किया, इतना पाउडर लगाया, इतना ब्लशर किया, तरह तरह के चेहरे को रंगा है,
मगर मरने के बाद में वहां पता भी नहीं कि कभी ये मेरा शरीर भी था। और जो शरीर एक समय में जाने से अनजाना हो जाता है, जिसे 9 बजे मृत्यु हुई तो 9:01 पर जहां जन्म हुआ कुछ भी पता नहीं कि यह देह कहां गया, उसका प्रमाण कि पिछले देह का कुछ भी अभी पता नहीं। एक समय में जैसे 9 बजे मृत्यु हुई और 9:01 पर यह देह जाने से अनजाना होगा, और जब यह देह जाने से अनजाना होना ही है तो 8:59 पर आत्मा में लीन होकर के अनजाना हो जाए तो निर्वाण है। वैसे भी अनजाना होने वाला है, मगर ये कला किसी विरले को प्रकट होती है। सुनते हैं लाखों करोड़ों, समझ पाता है कोई विरला, और उनमें आप हो भगवान। हे चैतन्य परमात्मा, यह जागृति देह होने पर देहातीत दशा, कहीं पर भी ऐसा फैलाव न दिखे कि मैं वहां फैलाऊं, सदा ये अनुभूति कि ये मेरी ही अनुभूति हो रही है। गुड़ को चखता हूं, मीठेपन का स्वाद आता है, ये थैली का नहीं। गुड़ को थैली में से बाहर निकाल दो, थैली को उल्टा करो और फिर चखो, थैली मीठी लगेगी। वह मीठापन भी थैली का नहीं, वह भी गुड़ का ही है, क्योंकि गुड़ का स्वभाव ही मीठा है, थैली का नहीं। ये देह में जहां जहां भी तुम्हें ठंडा गरम ये जो अनुभव हो रहा है, ये जो ज्ञान हो रहा है, ये थैली का नहीं है, ये आत्मा का ही है। क्योंकि थैली का स्वभाव जानना नहीं है, जानने का स्वभाव आत्मा का है। और ऐसा जब जानन हारा, ऐसा जब चैतन्य परमात्मा दृष्टि में आए, तब सब परमाणुओं में एक सी दृष्टि, एक सी दृष्टि, मैं पने का भाव मिट गया, अब दुख भी मिट गया। पूरा शरीर ज्ञानी को ऐसे ही दिखता है, जैसे स्कूल में छोटे छोटे बच्चे मजाक मस्ती करते हैं, च्युंगम खाते हैं, च्युंगम खा करके चबा चबा करके जितना रस ले सकते हैं उतना ले लेते हैं, फिर उसका सदुपयोग करते हैं कि अपने आगे की कतार में जो बैठा है उसके बाल के ऊपर फिर चिपकाते। अब एक बच्चे ने च्युंगम खाई, अपने आगे की कतार में जो बैठा है उसको च्युंगम उसके बालों पे ऊपर चिपका दी। 2 इंच लंबे बाल है, उसमें 1 इंच ऊपर का भाग वहां पर च्युंगम चिपका दी। इसने पीछे ऐसा हाथ किया और पता चला चिंगम, और गुस्सा आ गया। पीछे जो अपना ही साथी था, अक्सर साथी ही ऐसा काम कर सकते हैं, जो साथी था जोर से एक चाटा मारा। ऐसी मजाक करता है, मित्रता शत्रुता में पलट गई। मगर इतना आग बबूला हो गया, तभी उसको याद आया कि मम्मी ने कहा कि बेटा स्कूल से जब वापिस आ तब बाल कटवा कर आना। अब वो नाई की दुकान पर गया, नाई की दुकान पर गया कि 1 इंच बाल, 2 इंच में से 1 इंच बाल काट दिया नाई ने, वो चिंगम जहां चिपकी थी वो भाग 1 इंच बाल काट दिया। अब कटे हुए बाल वहां नीचे है, अब वो जो कटे हुए बाल है उस बाल पर कोई चिंगम चिपकाए कुछ नहीं होगा, बाल तो वही है मगर अब मेरे नहीं, वो जो मैं अपने का मेरा वाला भाव था वो उसमें अब नहीं रहा। अब 1 इंच जो बचे है उसमें कोई चिंगम चिपकाएगा तो अभी गुस्सा आएगा, क्योंकि ये मेरे है। इसे वो कटे हुए बाल जैसे पड़े हो नाई की दुकान में, ज्ञानी को पूरा शरीर आत्मा से ऐसा कटा हुआ दिखाई देता है, पूरा शरीर दिखाई देता है, ऐसा दूर दिखाई देता है भगवान। ये चैतन्य परमात्म तत्व, और ऐसी जब अंतर में है अनुभूति हो तो ये देह तुम्हें कटा हुआ, और मैं तुमसे ये कह दूं कि वो जो कटा हुआ बाल है ना उस बच्चे को, तो अभी ये है कि ये मेरा नहीं,
मगर वह बच्चा यह तो मानता है कि एक घंटे पहले ये मेरे थे, ये कभी तो मेरे थे। ज्ञानी को ये देह न तो मेरा है न मेरा कभी था, कभी हुआ ही नहीं, हो सकता ही नहीं, ऐसा दूर दिखाई दे, तब स्वतंत्रता का उद्घोष ज्ञानी करता है। स्वयं की अनुभूति के प्रमाण से, आत्मानुभूति के प्रमाण से, हे ज्ञान दीपक, हे चैतन्य परमात्मा, जागृति फिर जिस कुर्सी पे तुम बैठे हो, वह कुर्सी, जो कपड़े तुमने पहने हैं वो कपड़े, और जो शरीर, इन तीनों में जब तुम्हें दृष्टि में ऐसे भेद न दिखाई दे, फिर कुर्सी पर कोई ब्लेड से काटे, कपड़े को कोई काटे और शरीर को काटे, ये जागृति रहती है कि जो जानने वाला है वो कट नहीं रहा। यदि वो कट जाता तो ये जानने वाला यदि कट जाता तो ये कट रहा है, उसका पता ही किसको चलता। वह जागृति कि कांच का गिलास जो यहां रखा है नीचे गिर करके फूट गया, ये दर्पण में रिफ्लेक्ट हुआ, वो दर्पण ही यदि फूट जाता तो गिलास फूट गया, वह प्रतिबिंब कहां पड़ता। यदि हाथ कटे, यदि शरीर टूटे, ये शरीर की कोई भी क्रिया हो, बैर बिखेर हो, ये राख की दीवार बैर बिखेर हो, बैर बिखेर हो, ज्ञानी की यह दशा की वर्तमान में ही ये राख की दीवार के रूप में देखते हैं। ये राख की दीवार, ये राख ही है, मगर अज्ञानी बचना चाहते हैं, इसलिए तो इंतजाम किया है, हमने स्मशान को गांव से बाहर बनाया है। मेरा वश चले तो जहां जहां मंदिर बने वहां स्मशान बनाओ, मेरा वश चले तो बीच बाजार में स्मशान बनाओ कि जाते आते लोग देख सके कि यही आना है। स्मशान को गांव से बाहर बनाया कि कभी ये याद भी न आ जाए आते जाते बाजार में कि यहां कभी आना है। स्मशान वहां बनाते हैं जहां से आगे जाने का कोई रास्ता न हो। ये मनुष्य की चाल है, ये खतरनाक चाल है, और सबसे बड़ी खतरनाक चाल, जब मैं बचपन में स्कूल में पढ़ता था, मुझे बहुत बचपन से ही स्मशान में जाने की आदत थी। आज भी जो मैं चिता के ऊपर रात को लेटता हूं, सोता हूं, जब 7 साल का था, दूसरी कक्षा में मैं पढ़ता था, मेरा एक मित्र था, उसके दादा की मृत्यु हुई, थोड़ी देर पहले सब उसको खिला पिला रहे, इतना प्रेम से अंतिम घड़ी में एक एक चम्मच से पानी पिला रहे, गंगा जल पिला रहे उनको, और थोड़ी देर बाद देखा कि ये क्या, कपड़ा लाया, लकड़ी लाई और रस्सी से बिल्कुल कस करके ऐसा बांधा, लगता है थोड़ा भी यदि हाथ को बांध दिया जाए तो इतनी वेदना, तो इनको तो पूरी तरह से कस करके बांध दिया, ये क्या कर रहे ये लोग। और इतना ही नहीं, 4 आदमी तो उसे कंधे पर उठाकर लेके जा रहे, ये कहां ले जा रहे। और मैं सबसे पहली बार स्मशान में दब गया, वहां जाकर के जलाया, और वो जब मैंने दृश्य देखा तब से ये भाव आया, कुछ तो है, कुछ तो है, ये दुनिया वाले ऐसा क्यों करते हैं। मगर मेरे साथ वो कर ही नहीं सकते, किसी पराए के साथ हो रहा है। तब से मैं स्कूल कम जाता था, स्मशान में चला जाता, जलते हुए मुर्दे को देखता, मगर एक बात मेरी समझ में नहीं आती, जब वो मुर्दे को जला करके घड़ा लेकर आते, गागर लेकर के, घड़ा लेकर के, कुंभ लेकर के आते और कहते ये क्या लेने आए हो, ते फूल लेने आए, गंगा जाते हैं, फूल पधराने के लिए जाते हैं, फूल बहाने के लिए जाते हैं। ये मनुष्य की कितनी खतरनाक चाल है, फूल
मुझे कभी ये बात समझ में नहीं आती थी, यहां तो हड्डी है, राख है, फूल कहां है? मगर हमने मृत्यु को भी अच्छे अच्छे नाम से सजाया है, हमने राख को भी फूल ये कहकर के सजाया है। ज्ञानी कहते हैं हम फूल को वर्तमान में राख के रूप में देखते हैं। तुम राख को फूल कहते हो, तुम स्मशान को सजाते हो, फूलों से सजाते हो, फूलों के ढेर में छुप करके काश तुम मरते हुए बच सको, मौत को भीतर आता हुआ रोक सको। मगर मृत्यु तो सर्प की भांति है, कैसे भी करके फूल के ढेर के अंदर सर्प पहुंच ही जाता है। मृत्यु भी ऐसे ही रास्ता खोज करके पहुंच ही जाएगी स्मशान। इन परमाणुओं को मैं गजपंथा के स्मशान में ऐसे देखता, राख के परमाणुओं को मुट्ठी में लेता, मिट्टी के परमाणुओं को मुट्ठी में लेता, कुछ परमाणुओं को पूरब की ओर, कुछ परमाणुओं को पश्चिम की ओर, उत्तर दक्षिण की ओर में फेंकता और फिर विचार आता कि लाओ अब ये परमाणुओं को सबको इकट्ठा कर लो। मगर पता ही नहीं जिनको मैंने फेंका वो कौन से परमाणुओं को मैंने फेंका था, वो तो इतने घुल मिल गए हैं पता भी नहीं चला। ऐसा ही है, ये एक उंगली राख होकर के पूर्व की ओर, दूसरी है पश्चिम की ओर, कहां कहां ये उड़ेगी, और उसके लिए कोई हजारों साल नहीं, 10-20 साल का ही तो ये अंतर है। ये अभी वो घड़ी आई, उससे पहले ही जो पार हो जाए बस। अब मैं जैन नहीं हूं, मैं हिंदू नहीं हूं, मैं मनुष्य ही नहीं हूं, मेरी रुचि एकमात्र चैतन्य में है, एकमात्र चैतन्य में। इसी वजह से 5,000 से ज्यादा जो मुस्लिम और ईसाई जो शाकाहारी हुए, 18 देशों में जिन्होंने फुलचंद वेजिटेरियन रेस्टोरेंट खोले, जो जन्म से मुसलमान थे, आज उनके रेस्टोरेंट में मैं खुद यहां से रेसिपी उनको लिख करके भेजता हूं, वेजिटेबल पुलाव कैसे बनता है, बिरयानी कैसे बनती है, पनीर टिक्का मसाला, पनीर मटर मसाला, अलग अलग मैं उनको यहां से लिख करके भेजता हूं। वो लोग वहां पर जिनकी थाली में ऐसी वस्तु जिनके नाम भी लेने में आपको उल्टी हो जाए, आज वो लोग यदि एक शब्द का उपयोग नहीं किया जैन, तो उनके जीवन में यदि इतना परिवर्तन आता है तो मैं ऐसे शब्दों का उपयोग करना नहीं चाहता। इसलिए थोड़ी देर पहले ही मुझे किसी ने पूछा कि 1500 शास्त्रों की एक एक गाथा श्लोक पन्ने के साथ में आपको याद है, ये कैसे याद है? और किसी ने तो ऐसा ही पूछ लिया कि ये भाषा कैसे आ जाती है? उस देश की धरती पर पैर रखो एयरपोर्ट पर और वहां की भाषा बोलने लगो और वो प्रवचन रिकॉर्ड हो जाते आज, ऐसे जो वीडियो ऑडियो जिसका अर्थ मुझे भी पता ही नहीं, जो अभी यहां है रिकॉर्डिंग हो गई, ये कैसे हो जाता है? क्षणिक का बोध, क्षणिक का बोध। मैंने सिर्फ इतना ही कहा, इस पृथ्वी पर कोई भी व्यक्ति मुझे ऐसा नहीं लगा जैसे मैं पहली बार मिल रहा हूं। कहीं पर भी गया सब जगह ऐसा ही लगा, आप परमात्माओं के साथ में पूर्व में मुलाकात हो चुकी है, वरना आज मैं यहां बैठता नहीं। मैं मेरा अमेरिका और कनाडा का कार्यक्रम कैंसिल करके मैं यहां आया हूं मध्य प्रदेश में, अभी तो मुझे कनाडा में होना चाहिए था, मगर हो कैसे सकता हूं जब आपको अभी ये चैतन्य तत्व की पुकार कान में पड़नी हो, ये हो ही नहीं सकता। ऐसी सहजता अगले समय आकाश के 3 लोक के किसी भी प्रदेश पर रहने की तैयारी, रात को पलंग पर लेटा सुबह आंख यहां खुलेगी ये पता नहीं, मगर तैयारी। और वो तैयारी उसी की हो सकती है जिसे पता है मेरा है वो यहां छूट ही नहीं सकता, और जो यहां का है वो मेरे साथ आ नहीं सकता। ये जागृति के बल पर
ये पड़ोसन अब धोखा देती है, ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि ये पड़ोसन धोखा दे रही है। कौन पड़ोसन? ये राख की दीवार, ये देह, गला अब ज्यादा बोल नहीं पाएगा, ये पड़ोसन धोखा दे रही है। इस राख की दीवार ने मुझे नहीं अनंत तीर्थंकरों को भी धोखा दिया, उनकी भी नहीं हुई, वहां से भी बैर बिखेर हुई। आपको पता है महावीर भगवान के शरीर के परमाणु इस लोक में कहां उड़ रहे? आदिनाथ भगवान के शरीर के परमाणु कहां उड़ रहे? तीर्थंकर परमात्मा के परमाणु इस दुनिया में पहचाने नहीं जाते, तो मेरे और तुम्हारे शरीर के परमाणु का क्या? यह जागृति। भूतकाल की चौबीसी के नाम याद है, मगर उससे पहले भी तो चौबीसी थी, ये तो अनंत चौबीसी है ना, मगर उससे पहले की चौबीसी के नाम कौन बता पाएगा? बताओ। तीर्थंकरों के नाम ये दुनिया याद नहीं रखती, और तुम सोचते हो तुम अमर हो जाओगे मंदिर के ऊपर बड़ा बोर्ड लगवा करके, थोड़े रुपये दान में दे करके, मंदिर में दान पेटी में रुपये डाल करके। मुझे तो बहुत झटका लगता है ये मंदिर वालों का, इतने शास्त्र को मैंने पढ़ा, मुझे कहीं पर भी मंदिर में रुपया दान पेटी में डालना चाहिए ये पढ़ने में नहीं आया। ये तो बनियों के हाथ में धर्म आ गया कि रुपये भी अंदर दान पेटी में घुसने लगे। भगवान का मंदिर तो इसके लिए होता है कि भगवान में घर पे था, भगवान को याद करने मंदिर में नहीं जाते, याद तो घर पर आ गए थे, घर पर ही याद आई तभी तो मंदिर आए। मंदिर जाते हैं कि हे भगवान, आपकी याद घर में इतनी आ रही थी कि मैं अपने में लीन नहीं हो पा रहा था, अब मैं मंदिर आ गया कि बस ये भाव भी जाए और मैं अपने में आ जाऊं। मंदिर जाकर के परमात्मा को भूलना था, वहां वो पांच का सिक्का निकालता है, वो भी बाजार में कहीं नहीं चलता ऐसा, और डालता है वो भी ऐसे। एक बनिया को मैंने देखा था, इतना पुराना सिक्का लेकर के निकला मंदिर की दान पेटी में डालने, और मजबूरी में ऐसे जैसे निकाल रहा है जेब में से हाथ, और फिर ऐसा, और अंत में वो इतना ही बोला, मत रो, नहीं डालूंगा तुझे, ऐसा कह के जेब में डाले, मत रो। वो रो रहा है, मत रो, तुझे नहीं डालूंगा, चिंता मत कर। नाया धोया स्नान न किया वो व्यक्ति जिनेंद्र भगवान के मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकता। स्नान करना जरूरी है, साबुन से नहाओ, स्वच्छ होकर के स्वच्छ कपड़े पहनकर नहा धोकर के मंदिर में प्रवेश करो। मगर आश्चर्य मुझे उस बात का बहुत होता, जिंदगी में एक भी बार नहीं नहाई, और इतनी पसीने से इतनी धूल से गंदी हुई, वह 100 रुपये की नोट मंदिर के भीतर कैसे चली जाती है? ऐसा लगता है कोई नहीं कहता इसको नहलाओ धोलाओ, इतनी गंदी, कितने लोगों के पसीने के हाथ उसके। यू आर मोस्ट वेलकम, स्वागत है तुम्हारा यहां। मैं इन परंपराओं से, कुल परंपराओं से मुक्त होकर के तुम्हें ये चैतन्य की पुकार करने आया। अभी अपने अंदर में जाने का समय हो गया, अब एक ही उपाय है, बस निज आत्मा का हित कर ले। सुबह में अंजड़ था, कल रात्रि में मैं स्वयं अंजड़ हूं, अंजड़, जो जाना होता है उसे जाना कहते, जाना नहीं होता उसे अनजाना कहते, जो जड़ होता है उसे जड़ कहते, मगर जो जड़ नहीं चेतन है उसे अनजड़ कहते। मैं स्वयं अनजड़ हूं, और ऐसी अनुभूति तू कर ही ले, कर ही,
तू कर ही ले, ऐसी अनुभूति तू कर ही ले, इतना ही कह पाता हूं, क्योंकि मुझे अब अपने स्वरूप के अंदर जाना है, इंडोर जाना है, अपने स्वरूप के अंदर जाना है, इंडोर जाना है। हे चैतन्य परमात्मा, आप समस्त परमात्माओं ने मुझे अत्यंत प्रीति से, अत्यंत वात्सल्य से सुना। मैं ऋणी हूं आप परमात्माओं का, आप परमात्माओं के निमित्त से मेरा समय इतना सत्संग में रहा। आप समस्त परमात्माओं को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूं, मेरे प्रणाम स्वीकार करें। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो देहातीत उन ज्ञानी के चरण में हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित।